चाहते हैं बेस्ट जॉब, बेस्ट हाउस, बेस्ट स्पाउस, बट वॉट अबाउट बेस्ट यू? क्या आप नहीं चाहते कि आपको आपका बेस्ट यू मिले? जी हाँ, क्या आपको आपका बेस्ट वर्जन मिले? हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, और मैं आपको 5 टिप्स दूंगी टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई अपलोड माय न्यू वीडियो. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो 5 टिप्स टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू. हम हर एक चीज़ को बेस्ट चाहते हैं, हमें सब चीज़ बेस्ट से बेस्ट चाहिए, बेस्ट कपड़े, बेस्ट खाना, बेस्ट घर, बेस्ट दोस्त, बेस्ट हाउस, बेस्ट स्पाउस. लेकिन हम खुद को क्यों बेस्ट नहीं बनाना चाहते? क्या हम खुद को, अपने आप को एक बेस्ट वर्जन गिफ्ट नहीं करना चाहते? आई एम श्योर कि आप सब लोग चाहते हैं. और इसको कैसे करना है, इसके 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. टिप नंबर वन इज बी यूनिक यू बाय वर्किंग ऑन योर स्किल. हम सब यूनिक हैं, यहाँ तक कि हमारे फिंगरप्रिंट्स भी हमारे हैं. हमारे फिंगरप्रिंट्स किसी के भी साथ मैच नहीं कर सकते. जो आप हो, आप इतने यूनिक हो कि आपके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता. जी हाँ, आपकी कॉपी बनी ही नहीं है. अगर आप अपने स्किल पर निरंतर काम करते जाएं, जो भी आप काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, जो भी आपका पैशन है, अगर आप उसमें काम करते जाएं, अपने स्किल को इन्हांस करते जाएं रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, यू कैन बिकम अ यूनिक यू एंड यू कैन बिकम irreplaceable. आपको कोई replace ही नहीं कर पाएगा and you will be the best version of yourself. Tip 2 is fail fearlessly. अक्सर हम fail होने से डरते हैं. हमें लगता है अगर हम fail हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, हम दुनिया को कैसे अपनी नज़र दिखाएंगे, कैसे हम आगे ज़िंदगी में बढ़ पाएंगे. लेकिन बिल्कुल नहीं, जब हम fail होते हैं तो हम fail नहीं होते हैं, हम आगे सक्सेसफुल होने के लिए हमारा कदम बढ़ता है. फेलियर से जो लेसन मिलता है, जो लर्निंग मिलती है, अगर हम उसे अपनी लाइफ के अगले चैप्टर में अप्लाई करें तो हम ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा पोटेंशियल हमारी बढ़ जाती है एंड वी बिकम सक्सेसफुल इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आर लाइफ. लेकिन सब लोग जो फेल होते हैं वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते. सिर्फ वो लोग जो अपने फेलियर से लेसन लेते हैं, लर्निंग लेते हैं और उस लर्निंग को अप्लाई करते हैं, सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल होते हैं. तो फेलियर से डरिए नहीं, फेलियर से लेसन लीजिए, लर्निंग लीजिए, बी पॉजिटिव एंड मूव ऑन इन लाइफ. टिप नंबर थ्री इज फाइंड पर्पस इन योर पैशन. जो भी आपका पैशन है, जो भी आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर वही आपका वर्क है, अगर वही आपका बिजनेस है, अगर वही आपकी जॉब है, तो बहुत ही अच्छी बात है. बिकॉज अगर आपका पैशन आपकी जॉब है और आपका मेन वर्क है, तो यू विल नेवर फील टायर्ड ऑफ डूइंग दैट एंड यू विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू डू योर वर्क. एंड अगर उसमें आप एक पर्पज़ ढूंढ लें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहेगा, वाई एम आई डूइंग इट, वट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट एंड हाउ आई एम एडिंग दिस टू द सोसाइटी, हाउ आई एम एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी, हाउ माई वर्क, माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज एडिंग समथिंग टू द सोसाइटी. फाइंड दैट पर्पज इन योर पैशन. जब आपको पर्पज मिल जाएगा, वजह मिल जाएगी, देन यू विल बिकम बेस्ट एंड यू विल ऑलवेज लुक forward to do your best in your life. Tip number four is value time. क्या आप जानते हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको एक दिन में 86,400 रुपीज़ दूंगी और वो रुपीज़ जो है शाम को ख़त्म हो जाएंगे और आपको शाम तक ही उस पैसे को यूज़ करना होगा, आई एम श्योर आप पैसे का हर पेनी को बेस्ट यूज़ करेंगे. आप हर पेनी को ऐसे यूटिलाइज करेंगे जिसमें आपको बेस्ट, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उसको इन्वेस्ट करेंगे ताकि उसका रिटर्न आपको मिले. लेकिन आप टाइम के साथ क्या करते हैं, दिन के 24 घंटे में हमें 86,400 सेकंड्स मिलते हैं और हम हर सेकंड को कैसे 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 वेस्ट करते चले जाते हैं. दिन खत्म हो जाता है, 86,400 सेकंड्स वेस्टेड, वैल्यू नथिंग. तो अगर हम अपने टाइम को ही मनी मान लें, अपने टाइम की वैल्यू करने लग जाएं, तो हम लाइफ में बेस्ट बन जाएंगे. बिकॉज एवरीथिंग दैट वी डू, वी आर डूइंग इट इन द फ्रेम ऑफ टाइम. जी हाँ, हम टाइम के ही फ्रेम में सब चीज़ें कर रहे हैं. आप ये वीडियो भी टाइम के फ्रेम में देख रहे हैं, इस वीडियो की भी एक टाइम लिमिट है. तो टाइम हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ जुड़ा है. जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमारा डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ हमारा डेट ऑफ
टाइम ऑफ बर्थ भी लिखा जाता है. तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. अगर आप टाइम की वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो टाइम भी आपकी वैल्यू करेगा, रिस्पेक्ट करेगा. हर मोमेंट को अगर आप बेस्ट बनाएंगे, हर मोमेंट में अगर आप बेस्ट काम करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. टिप नंबर फाइव इज़ फाइंड द राइट एनवायरनमेंट. अगर मछली को पानी से निकालकर पेड़ पर छोड़ दिया जाए, क्या वो जी पाएगी? नहीं, क्योंकि उसके लिए पानी ही राइट एनवायरनमेंट है. बंदर को पेड़ से उतार के समुद्र में फेंक दिया जाए, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए पेड़ ही राइट एनवायरनमेंट है. वैसे ही हमें भी जीवन में थ्राइव करने के लिए, बेस्ट बनने के लिए, अपना बेस्ट वर्जन होने के लिए, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है. हमें आसपास ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो हमें सपोर्ट करें, जो हमें मोटिवेट करें, जो पॉजिटिव हों, जिनसे हम इंस्पायर हो सकें. तो ऐसा एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट कीजिए. अपने कुछ ना कुछ मेंटोर्स बनाइए जिनको आप देख करके आपको लगे वाह, मुझे ज़िंदगी में ऐसा बनना है. आप अपने आसपास ऐसे पॉजिटिव लोग इकट्ठा कीजिए जो आपको फेल होते देखकर आपको ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें. ऐसे लोग अपने आसपास बनाइए जो आपको नेटफ्लिक्स देखने के लिए नहीं, बल्कि मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए मोटिवेट करें. अगर आपके आसपास राइट एनवायरनमेंट होगा, राइट चीज़ें होंगी, आपके आसपास का सेटअप ठीक होगा, यू विल लुक फॉरवर्ड टू लाइफ, यू विल डू बेस्ट थिंग्स इन लाइफ एंड यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. सो मैं ये 5 टिप्स आपके लिए रिपीट कर देती हूँ. टिप नंबर 1 is be unique you by working on your skill. Tip number 2 is fail fearlessly. Tip number 3 is find a purpose in your passion. Tip number 4 is value time. Tip number 5 is find the right environment. And I hope agar aap in 5 tips ko follow karenge, you will become the best version of you. You will become invincible and you will become someone jisko koi beat nahi kar sakega. Kal ke aap se aaj ka aap behtar hoga. और आगे आगे जो आएगा, आपका वर्जन आएगा, वो आपके आज से ज़रूर बेहतर होगा अगर आप इन 5 चीज़ों पर काम करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.